यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सलवार का पहुंचा डिजाइन शेयर करूंगी। और देखिए, इस डिजाइन की मेरे फ्रेंड्स ने पिक भेजी है, उन्होंने बोला है प्लीज़ ये डिजाइन बना के बताएं। देखिए, ये हमने अपनी सलवार ली है जिसका हम पहुंचा बनाएंगे, और ये मैंने दोनों पहुंचों के लिए बुकरम ली है। अब सबसे पहले हम एक बुकरम को हटा देंगे, और देखिए इस बुकरम की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है, यह आप देख सकते हैं। लंबाई आप अपने पहुंचे के हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक निशान 8 इंच पे लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ पे इसको सीधा करके और एक निशान हम यहाँ पे 4 इंच पे लगाएंगे और इसे भी हम सीधा कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, ये बंद वाली साइड है, ये खुले वाली साइड है। अब बंद वाली साइड से हम 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ पे 1.25 इंच या 1.5 इंच पे आप लगा सकते हैं। और यहाँ से हम इसमें गुलाई देंगे। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हम इसमें गुलाई देंगे। और अब इसकी यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम इस कपड़े के ऊपर प्रेस से चिपका लेंगे। ये मैंने प्रेस से बुकरम चिपका ली है। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को काटेंगे। और इसमें हम यहाँ पे ऐसे कट लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ से कपड़े को मोड़ेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। और देखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब नीचे की साइड हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। ये मैंने एक सीधी पट्टी ली है, इसे हम नीचे की साइड ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हमको जितनी पाइपिंग दिखानी है उतनी दूरी पे हम बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद हम इस कपड़े को ऐसे मोड़ेंगे, ये देखें, और इस तरीके से हमारी ये पाइपिंग बन जाएगी और यहाँ पे हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। और ये मैंने यहाँ पे पाइपिंग बना ली है। अब इसको हम अपनी सलवार के बॉटम पे अटैच करेंगे। ये मैंने अपनी सलवार की बॉटम ली है, ये उल्टी साइड है और नीचे की तरफ सीधी साइड है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे यहाँ से, हम कम से कम 1/2 इंच इसको दबाएंगे। और ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पे भी सेंटर में होना चाहिए, ये हमारा पोंचे वाला कट है जो, और यहाँ पे हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसे हम ऐसे सीधा कर लेंगे, ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है ये वाली, और नीचे की तरफ उल्टी साइड है। अब हम यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ेंगे और इसमें सीधी सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे इसमें गोटा लगाएंगे। ये मैंने मोती वाला गोटा लिया है, यह आप देख सकते हैं, आप इस तरह का कोई भी गोटा ले सकते हैं। इसे हम ऐसे नीचे की साइड दबाएंगे और इस पे हम सिंगल बुट की मदद से सिलाई लगा लेंगे।
और ये मैंने यहाँ पे गोटा अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे दोनों साइड में लहरिया सिलाई लगाएंगे। और देखिए दोनों साइड में लहरिया सिलाई लगाने के बाद हम इसमें सीधी सिलाई लगाएंगे और पूरे पोंचे को हम सिलाई से भर लेंगे। एक एक सिलाई हम दोनों साइड में सीधी लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें बड़ी बड़ी लहर बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें बड़ी बड़ी लहर बना लेंगे। यहाँ पे मैंने ये सिलाई से पोंचा कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ पे हम इसमें लास्ट वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जितना बड़ा आपको पोंचा रखना है उतना रख सकते हैं। ये पोंचा मैंने कंप्लीट कर लिया है, यह आप देख सकते हैं। और ये पहनने के बाद में बहुत ही सुंदर लगता है। आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है।